नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है विशाल सिंह। मैं हिंदी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैंने कभी आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, तो इसका मतलब ये कुछ भी मत लगाइएगा कि मैं कुछ काम के लिए बोल रहा हूँ या किसी फायदे के लिए बोल रहा हूँ। मैं पवन भैया से बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ और ये सिर्फ एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। कल कोई खेसारी लाल यादव क्या तो नाम है पता नहीं, क्योंकि मैं तो उनको आज तक ना उनकी पिक्चर देखा हूँ ना ही आज तक कभी कोई गाना देखा हूँ। बस जानता हूँ इसलिए क्योंकि वो बिग बॉस में आके हक के गए थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको बोलना था वहाँ पे तो आप तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि इज्जत दिल से नहीं आ रही आपकी। जहाँ तुझे बोलना था तू वहाँ तो कुछ नहीं बोला, वहाँ गया हगा बाहर आ गया। और जहाँ पे तुझे नहीं बोलना चाहिए था तू कितना हगा है गल, और क्या मतलब था। एक वीडियो भी देखी थी मैंने तेरी कल ही यूट्यूब पे। कल मैंने तेरे पे बहुत सर्वे किया, बहुत देखा, तो तूने उसमें बोला है पवन भैया के बगल में खड़े होके, पवन सिंह तो ये बाद में है, ये हमारे पिताजी हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, तो तू बेटा ही है, समझा। और तेरे लिए मैंने जो तूने कल लाइव आया था ना, तू उस पर मैंने तेरे सारे वीडियो से मैंने 16 पॉइंट लिखा इस पेपर में, और मैं बोलूंगा। सबसे पहले तू आके क्या बोला अपने गाने को प्रमोट करने के लिए, तू लाइव इसीलिए आया था कि कल भैया का सॉन्ग रिलीज हुआ था तो वो हट जाए लोगों के दिमाग से और तू अपने गाने को प्रमोट करे। सबसे पहला तेरा लाइन यही था कि कल आ रहा है ब्लू बेस्ट ब्लू, फिर बोलता है ब्लू बीट स्टूडियो शे। तो ना तुझे हिंदी आती है ना तुझे इंग्लिश आती है, बोल किस लैंग्वेज में बात करूं, क्योंकि मुझे भोजपुरी नहीं आती है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, अगर समझ पाए तो समझ लेना। दूसरी बात क्या बोला तूने, इन्होंने बोला है कि मेरा नाम आप ले लोगे तो मैं बड़ा हो जाऊं, बड़ा नहीं बनूंगा। तू लाइव ही इसीलिए आया है कि तू बड़ा बने, तेरा सॉन्ग प्रमोट हो। तू अपने सॉन्ग आने से 2 दिन पहले ही लाइव आके क्यों किया ये सब, तुझे तो बहुत पहले से पता है कि भैया क्या सोचते हैं तेरे बारे में, इतने दिन से तेरे दिल में था ना, तू पहले क्यों नहीं आया लाइव, पहले क्यों नहीं बोला ये सब कुछ। तू बोला है कल, जब आज से 1-2 दिन बाद तेरा गाना आने वाला है और कल भैया का सॉन्ग रिलीज हुआ, इसलिए एक बात तूने बोली कि मैंने उस दिन बोला था जो थोड़े दिन पहले तू लाइव आया था कि मैं 1 या 2 नंबर वाली बात पे नहीं बोला था अपने आप को रख के, मैंने लैंग्वेज के ऊपर बोला था, भोजपुरी लैंग्वेज। पहले तो तुझे भोजपुरी बोलना नहीं आता है, भजपुरी क्या होता है, भोजपुरी बोल। जिसका पैसा खा रहा है, जिसके दम पे तू पल रहा है, तुझे वो वर्ड नहीं बोलने आ रहा है तो तू क्या ही करेगा जिंदगी में, भोजपुरी होता है भजपुरी नहीं। लैंग्वेज के लिए बोला, फिर हाँ पहले तूने बोला कि मैंने 1 या 2 नंबर अपनी बात पे नहीं बोला था, मैंने 1 या 2 नंबर वाली बात मैंने बोला था लैंग्वेज के लिए। और वीडियो खत्म होते होते तूने लास्ट में यही बात बोला है कि मैं हूं 1 नंबर तो 1 ही नंबर न बोलूंगा, तू 1 नंबर, तू पहले श्योर हो जा कि तू 1 है या 2 है या तू कहीं नहीं है, क्योंकि तुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि तू क्या है, तू 1 है कि 2 है, तू पहले श्योर हो जा श्योर। और क्या बोला था तूने, कंपटीशन हम किसी को नहीं मानते हैं, कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन होता है। तो अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश मत बोल। मैं सबके साथ तस्वीर क्लिक करके नहीं डालता हूं, अपना इंस्टाग्राम देख जरा, तूने 1 सॉन्ग किया है बादशाह भाई के साथ और तूने कितनी फोटो डाली है उस पे। तो तूने ये लाइन क्यों बोली, अगर कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब होना चाहिए ना, उसका मतलब निकलने दे ना। ये क्या है कि मतलब मैं तस्वीर खींच के नहीं डालता और 2-2 फोटो डाल रखा है बादशाह भाई के साथ ऐसे पकड़ के। और ये जो हर थोड़ी देर में क्या है ये मतलब इसका कोई कोर्स वोर्स किया है कि पैसे लेता करने के, ये इस ऐसा कौन स्टार बात करता है यार। मतलब अगर चल मान ले तेरे बहुत फैंस हैं जो तुझे मानते हैं, जो तुझे प्यार करते हैं, वो ये देख रहे होंगे तो उसको उनको अच्छा लग रहा होगा क्या। मैं कुछ ऐसा जातिवाद नहीं कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यादव बहुत, जो भैया को बहुत प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें मतलब ये क्या बात थी जो तूने ये लाइन बोली कि हम लोग का दिमाग घुटने में होता है। तेरा दिमाग सही में घुटने में ही है, तुझे बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि तू है ही उसी के लायक है। और जो तू बोल रहा है ये दौड़ने वाली बात कि हमसे ताकतवर है, आइए 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, भैया बहुत दूर है, उनके आगे हम खड़े हैं, तू आ मैं तुझे दौड़ूंगा, मैं अंधेरी में रहता हूं, मैं तुझे मैसेज करूंगा अपना एड्रेस, तू आना, हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे। मैं हर अल्टरनेट डेज पे ना 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ।
अंधेरे से स्टार्ट करता हूँ, जुहू तक जाता हूँ बिना रुके और यूटर्न मार के बिना रुके वापस आता हूँ, तू मेरे साथ दौड़ियो, क्योंकि भैया के पास इतना टाइम नहीं है। जितनी देर में वो 2 किलोमीटर दौड़ेंगे ना तेरे साथ बेटा, उतनी देर में 2 पिक्चर साइन कर लेंगे। तू खाली है, तू दौड़, तू आरा से लेके पटना, पटना से लेके मुंबई, मुंबई से लेके बिग बॉस, जहां तक दौड़ना है तू दौड़, क्योंकि भैया को कोई इंटरेस्ट नहीं तेरे साथ दौड़ने में। डांस की बात कि डांस नहीं आता है उनको, सिर्फ आवाज अच्छी। पहले तो मैं तुझे ये बताता हूँ कि उनके पास क्या क्या है और उनके पास क्या क्या अच्छा है। उन्होंने इंडस्ट्री में 150 पिक्चरें की हैं, तूने कितना किया है? 30-35, चल ज़्यादा मान लिया 40, चल ज़्यादा मान लिया 50, जो तूने किया नहीं है। उन्होंने 150 किए, 150 में से 100 पिक्चरें हिट दी हैं। सोच कुछ तो होगा ना उनके अंदर कि उन्होंने इतनी पिक्चरें हिट की हैं, तो कुछ तो होगा ना उसके उस इंसान में। सिर्फ गाना तो नहीं, सरस्वती जी बैठी हैं गले में, ये हम सबको पता है, ये तुझे भी पता है। और तूने ये एक्सेप्ट किया कि मेरे पास गला नहीं है, तो तुझे खुश होना चाहिए भाई, तुझे नाराज होने का बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि जनता और जो तेरे फैंस है वो तुझे इसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि तेरे पास कुछ भी नहीं है, ना शक्ल है, ना सूरत है, बॉडी है, चल मान लिया बॉडी बहुत अच्छी बनाई तूने, लेकिन जो गले पे इतना खराब शक्ल लेके घूम रहा है उसका क्या है? पवन भैया पास बताता हूँ क्या क्या है। शक्ल है, सूरत है, शरीर है, हैं, आवाज है, स्टार्डम है, बात करने का तरीका है। अगर वो लाइव आके कुछ बात करेंगे तो उनके बात में वजन होता है, उनको पता होता है वो बोल क्या रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एक एक शब्द जो बोलते हैं ना वो क्लियर रहता है। तू तो लाइव में आके क्या हगा है भाई, मतलब तू जो जैसे तू बिग बॉस में हगा था ना, तू उससे भी खराब हगा है कल लाइव में। रेंज रोवर है तुम्हारे साथ काम करने वालों के पास, अच्छा, और फॉर्च्यूनर है। और रेंज रोवर कितने की है वो? 1-1.5 करोड़ की गाड़ी। तेरे जो तेरा बंदा है, क्या नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि मुझे सिर्फ दुश्मनी तेरे से है, चौड़ में बोल रहा हूँ, ठोक के सीना। 7 लाख की या 8 लाख की उसने रेंज रोवर खरीदी है सेकेंड हैंड, और वो तू उसकी बहुत बड़ी बातें कर रहा है, और फॉर्च्यूनर है तेरे दूसरे राइटर के पास या किसी के पास। अब मैं तुझे बता रहा हूँ कि पवन भैया के साथ जो रहते हैं, जो काम करते हैं, उनके पास क्या क्या है। मेरे से बात करते हो, मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, मैं उनसे क्लोज हूँ। मेरे पास ऑडी है, ठीक है, मेरी औकात है ऑडी चलाने की। तेरे पास कौन सी गाड़ी? जहाँ तक मुझे पता तेरे पास इनोवा है ना, कुछ ऐसी फॉर्च्यूनर या कुछ है, है? और बता रहा हूँ, गाड़ी से अगर तुझे किसी की इज्जत को नापना है, किसी के औहदे को नापना है, तो पवन भैया के साथ जितने इंसान रहते हैं ना, उनने प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी है। तो आ मुंबई, तुझे दिखाते हैं पूरा दस्तावेज के साथ कि हमने क्या क्या लिया हुआ है और क्या क्या हम लोग दिखा सकते हैं। हाँ चलो मान लिया, चलो ये बात तो हो गई, तेरी बॉडी के बारे में बात हो रही थी, शक्ल तेरी खराब है, ये जब इंडस्ट्री में आए थे, बड़ी सही बात है ये। जब पवन भैया इंडस्ट्री में आए थे ना, तो तू बेटा सपने देखता था कि मैं कभी कैमरा देखूंगा कि नहीं देखूंगा, और तू क्या बोल रहा है कि भैया ये आप इंडस्ट्री में किसी को सिखाए हैं, आप किसी को लाए हैं, आप क्या हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अबे तू आया ही उनको देख करके, तेरी वीडियो थी ना कुछ, लाइन भी तूने बोला था ऐसा कुछ। एक मिनट, बहुत प्यार से तेरा, बहुत अच्छे से मैं तेरी प्यार से मारूंगा। ये देख, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा स्टार ऐसे बात करता है जिसे तू बात किया, क्योंकि हमारी हिंदी इंडस्ट्री में कोई भी स्टार जो एक लेवल पे पहुंच चुका है ना, वो इस तरीके से बात नहीं करता जिसे तू किया है। हम लोग से बाद में आए हैं इस दुनिया में, इस हम के बाद जो गा रहे हैं वो लोग भी बड़े बड़े चीजों को लेकर आए, उसको भी सीट करिए। हमने जो किया, हमने जो किया, हमने क्या किया, घेवड़ा किया, ये लैंग्वेज कौन यूज करता है, घेवड़ा किया। पवन भैया ने इस चीज पे क्या बोला था कि मैं 5 लोगों को मानता हूँ, माता पिता, भगवान, ऑडियंस, और एक किसी और को बोला था, तो उन्होंने बोला ना कि तुझे भी मानता हूँ, ऑडियंस में है तू बाबा, तू ऑडियंस है उनके लिए, तू उनके लिए कहीं मैटर नहीं करता है। और ये घेवड़ा वेवड़ा उन्होंने तो वर्ड भी यूज नहीं किया, ये क्या है इसका मतलब, क्या क्या बोलना क्या चाहता है? उन्होंने तो ठेंगा दिखाया था कि बाकी सब ठेंगे से, बाकी सब इससे, तू ये क्यों बोल रहा है कि बाकी सब इससे इससे, उन्होंने तो ये किया भी नहीं था। इससे समझ में आता है कि तू कितना इनसिक्योर है। इनसिक्योर का मतलब समझ में आया? हिंदी का, इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी नहीं है। इनसिक्योर का मतलब कि तू कितना ज्यादा डरा हुआ है उनसे,
कि तेरा पोस्ट चला जाएगा, तेरी जगह चली जाएगी। अरे खेसारी जी, एक चीज और दिखा रहा हूँ, कंपटीशन में कंपटीशन होता है, पहले बताया हूँ। तू उनके कहीं पे भी कंपटीशन में नहीं है बाबा, कहीं नहीं। तू मतलब वो तुझे देखते भी नहीं है। उन्होंने कुछ बोला, तेरा नाम लिया कहीं पे भी स्टेशन में, और जो बोला सीना ठोक के बोला। बीच समाज में इतने लोग थे तेरे, ऐसा नहीं लाइव आकर के हिजड़ों वाली चीजें कर रहा है। तू चूतिया है, तू कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उनका, चूतिया है, एक नंबर का चूतिया। अगर तुझे रहे तो राजपूत हूं, चौड़ में बोल रहा हूं, बनारस में घर है, मुंबई में रहता हूं, अंधेरी में। जो बन सके तू कर लियो, और रही बात दौड़ने दौड़ाने वाली बात, तो तू आना अंधेरी में, तेरे को दौड़ाऊंगा 2 किलोमीटर, बस इतना ही बोलना था। अगर बोलता तो साला 10 किलोमीटर बोलता, आप आइए मुंबई, तू आवा मुंबई, हम दौड़ाएंगे 2 किलोमीटर। अबे 10 बोल देता, 5 बोल देता, इतनी औकात है 2 किलोमीटर की। और क्या बोला था, हम चिल्ला देंगे तो नस फट जाएगा, अबे वो चिल्ला देंगे तो गांड फट जाएगा तुम्हारा, समझ आया? तो औकात में पहले ही बोला हूं, बाप बाप होता है, और बाप चिल्लाता है ना तो बेटा डरता है। ये एक वीडियो बना देने से, चार दीवारी के बीच में एक कमरे में बैठ के फोन ऑन करके वीडियो बना देने से कोई राजा नहीं हो जाता है। तू ये कर रहा है क्योंकि तू अकेले था और चार लोगों ने तुझे चढ़ाया होगा। ये चीज तू सामने आके करना, इतना जितना भी तू बोला ना उसका एक लाइन तू सामने आकर के बोल। ये जो ऐसे कर रहा है तू आके सामने कर, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना जब तू है कर रहा था, तो मुझे पर्सनली मैं चाह रहा था कि मैं तेरे से मिलूं, मैं पूछूं कि मतलब ऐसे ही कोई कोर्स वोर्स किया है कि ऐसे बचपन से। हंसी आ रहा है मुझे, लास्ट में बोलता है मुझे बहुत हंसी आ रहा है, हंसी इतनी खराब है तेरी, हंसी देख के बाकी लोगों को हंसी आ रहा था, जो तेरे फैंस होंगे ना। तू अपने यूट्यूब के उसमें जा कमेंट सेक्शन में और देख कि तेरे चाहने वाले कितने मैसेज किए और भैया के चाहने वाले कितने मैसेज किए हैं, जा तू देख। और मैंने तेरे पे बहुत सर्वे किया था कल, तो मुझे दिखा था वो, तूने लाइव में भी कुछ बोला है ऐसा कि भिखारी ठाकुर और भी पता नहीं कुछ कुछ लोगों का नाम लिया था तूने, होंगे वो लेजेंड, मैंने कभी नाम नहीं सुना उनका, क्योंकि मैं भोजपुरी में सिर्फ 2 ही 3 नाम सुना हूँ, पवन सिंह, मनोज तिवारी और रवि किशन। तेरा नाम तो मैंने कभी, मैं तो तेरा नाम ही मुझे अभी पता चला है कि कल जब तू तेरे लाइव आने के बाद, कि अच्छा ये तो वही है जो बिग बॉस में आया था। मैं तुझे सिर्फ बिग बॉस की वजह से जानता था कि तू बिग बॉस में आके हक के गया है। तो मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तू चल मान ले किसी लेजेंड का नाम ले रहा है, तो तू उनसे उनके बारे में कुछ बोल करके ये कॉन्ट्रोवर्सी में क्यों नहीं आता है? क्योंकि तेरी ना, तेरा बाजार जो चल रहा है ना, वो सिर्फ पवन भैया की वजह से चल रहा है, क्योंकि तू पवन भैया का नाम ले लेके पवन सिंह ये, पवन सिंह वो, पवन सिंह ऐसा, पवन सिंह वैसा, उससे तेरा खर्चा चल रहा है, उससे तेरा नाम चल रहा है, तेरे चाहने वाले जो तेरे साथ रहते हैं उन्हीं की वजह से कमा रहे हैं, क्योंकि तू उनका नाम लेता है तो तू यहाँ रहता है, तू इधर चला जाता है। बेटा तू उनके कहीं टक्कर में ही नहीं है, क्योंकि जितने तेरे फोटो पे लाइक आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उतना उनके फोटो पे कमेंट आता है वो डालते हैं, तो तू कहीं नहीं है भाई, कहीं पे भी नहीं है। और मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, ये जो 1.5 या 1.6 मिलियन फॉलोअर्स लेकर बैठा हुआ है, ये बाकी के 14,50,000 या 15,50,000 लोग कहाँ हैं? क्योंकि तेरे फोटो पे सिर्फ 50,000, 70,000, 60,000 लाइक आते हैं, तो ये फॉलोअर्स खरीद लेने से ना कोई स्टारडम नहीं हासिल कर लेता है, ये बहुत छोटी बात है। तू आ जा हमारी हिंदी इंडस्ट्री में, ये फॉलोअर्स ऐसे ही तेरे ऐसे लोग लेके घूमते रहते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है। पवन भैया के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो उनको इज्जत देते हैं, उनको मानते हैं, उनको समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब वो राजपूत इंसान है, सीना ठोक के बोलता है जो भी बोलता है, तेरी तरह नहीं चार दीवारी कमरे में आके बैठ करके लाइव आके बोल दिया चूतिया। तू चूतिया है तो चूतिया ही रहेगा, और मुझे तेरे से बात नहीं करनी। तू क्या बोला सुबह तूने उस पे फेसबुक पे कि दारू वारू वाली बात पे क्या? और हाँ लकीर, क्या कि लकीर खींचा आपने? कोई लकीर नहीं खींचा है, आप एलियन है, आप कब आए थे? अब उन्होंने लकीर खींचा है, भोजपुरी इंडस्ट्री जानी जाती है पवन सिंह के नाम से, भोजपुरी इंडस्ट्री तेरे नाम, तेरी वजह से। बिल्कुल कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने ऐसा बोला हो कि अरे भोजपुरी इंडस्ट्री वो खेसारी लाल यादव वाला, कभी सुना? पवन सिंह का नाम आता है, लॉलीपॉप गाना बोल करके पहचाना जाता है। तेरा क्या नाम है बता? इतना आवाज तेरी इतनी खराब, चूती है, आवाज तो अच्छा कर ले पहले सिंगर। तो तुझे खुद पता है, लाइव में बोला भी है कि ठीक है मेरी आवाज अच्छी नहीं है, तो जब आवाज अच्छी नहीं है तो क्या कर रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री में?
सिर्फ सिर्फ तेरे मतलब कास्टिज्म कंट्रोवर्सी यही 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 चीज चाहिए तुझे बस। और मुझे नहीं लगता है कि आज के जनरेशन में पब्लिक इतनी पागल है कि जो उनके कास्ट के होते हैं सिर्फ उनको ही देखेंगे। यादव लोग भी पवन बियो को पसंद करते हैं और राजपूत लोग भी पसंद करते हैं, पंडित भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, लेकिन तेरे जैसे इंसान को सिर्फ यादव ही पसंद करेंगे जिनको तू अपने इर्द गिर्द फैला के बैठाया हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे, मैं नाम भी ले लूंगा, बहुत सारे, सुनील यादव, मकरंद यादव, सब बनारस के हैं, भैया के लिए जान न्योछावर करते हैं, मुझे दिन भर में 25 बार वीडियो कॉल करेंगे कि भैया एक बार बात करा दीजिए, भैया एक बार बात करा दीजिए, और तेरे बारे में आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना है। तो छोड़ जाने दे तू भाई, तू जी जिंदगी अपनी, तू पवन भैया के ऊपर नाम ले लेकर, नाम ले लेकर उनका नाम ले, उनके साथ कॉन्ट्रोवर्सी में पड़, और लकीर तो उनने खींची है, वो जो लकीर खींची हुई तुझे बताया कि कौन सी लकीर है, लॉलीपॉप से, वो लॉलीपॉप वाला जो सॉन्ग वो भोजपुरी का सॉन्ग है। आज हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत लोग भोजपुरी नहीं सुनते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि अच्छा वही वाले हैं पवन सिंह, वो जो लॉलीपॉप गाए थे। तेरा को एक सॉन्ग बता जो तुझे देख तुझे बोल करके लोग पहचानने की कोशिश करते हैं, तुझे लोग बोलते हैं कि अच्छा वो खिलाड़ी क्या जो बिग बॉस में हक के आया है। अच्छा एक बात बता, तू कल 27 मिनट तक लाइव आया था और तूने लाइव में ये भी बोला था कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, 5 बजे तक शूट करता हूँ, उसके बाद फ्री होता हूँ, फिर फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ये सब देख करके। कोई स्टार है या कोई बहुत बड़ा एक्टर है जिसको पास जिसके पास बहुत सारा काम है, वो 27 मिनट तक लाइव आता है किसी से लड़ने के लिए, अपने फैन से बात करने के लिए आता, प्यार देता, प्यार लेता उनसे, तो समझ आता कि चल ठीक है तू कर रहा है इसलिए, लेकिन तू किसी से लड़ने के लिए इतनी देर लाइव आके बैठा है, इससे तेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल पता चल रहा है, पता लग रहा है कि तू तू किस किस लेवल पे तू उनसे उखड़ा हुआ है कि इतना फ्रस्ट्रेट है तुझे। तू अगर बेटा डिप्रेशन में चला गया, फ्रस्ट्रेट है, तू दवा लेना उसका, तू पवन भैया को, पवन सिंह को अपना मेडिकल स्टोर जा, डॉक्टर के पास जा, सब सही हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं है। और इंग्लिश हिंदी नहीं आए तो नहीं बोलते हैं, वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर लो, बाद में थैंक्स मुझे बोल देना आकर के मुंबई में, ठीक। और मैं बिहार